2 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन देख सकते हैं अभी तक नहीं पीता है, सारा बच गया है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि गरीब को बांट दिया जाए, तो क्या करें, जा रहे हम लोग बांटने इसको। मत रो, मत रो, मत रो। एक चांदी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नहीं, हम तो बात पर सहमत है, सिल्वर अलग है, चांदी अलग है। पकौड़ा खाओगे बाबू? हम भी नहीं खाएंगे। इसको खा लो ना, फिर ले लेना, घटेगा तो। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, सुबह सुबह हम दोनों जग गए हैं, तीनों लोग जग गए हैं, वो भी जग गए हैं। अरे, यहाँ पे देखिए मेरे बाबू का मालिश हो रहा है। सोचे सुबह सुबह इसको पहले मालिश कर देते हैं, उसके बाद कुछ काम करेंगे। और ठंडा भी ना अब लगने लगा, सुबह सुबह भी हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। बाबू को तो सुला दिए मालिश करके, उसके साथ थोड़ा सा हम भी सो गए थे, आँख लगेगा पता ही नहीं चला। तो चलिए अब किचन में चल के खाना बनाने का तैयारी कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? दूध, ब्रेड, बेसन, बस तैयारी करने। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आलू बैठा दिए हैं। पहले सोचे आलू बॉयल कर लेते हैं, फिर हम दाल बनाएंगे, दाल बना के चावल बना देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं करेला लिए हैं, भून रहे हैं, और ये रहा हमारा आलू, और वो भी सामान लेके आ गए। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। और ये देखिए बाबू का आलू साफ कर रहे हैं, पोटी कर दी है एकदम खाटा। और इसको देखिए साफ करवा रही है। अरे चुप। देख सकते हैं दाल भी हो चुका है, और ये रहा करेले का भुंजिया, और यहाँ पे ब्रेड के लिए मसाला भी तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे चावल बैठाए हुए हैं, ये लेट के अपना टेडी बियर के साथ, के लिए टेडी बियर खरीदे है ना, तो उसके साथ खेलती है तो बढ़िया है, मेरा पैसा वसूल हो गया, उसके साथ खेल रही है। तो ये देखिए दाल चावल चोखा है, भुंजिया और चटनी। करेले की भुंजिया मतलब हेता नहीं, बस तो खा लिए, और हम रेडी भी हो गए हैं, और बाबू को भी रेडी कर दिए हैं। ये देखिए छतन जी, ये देखिए मेरे बाबू खेल रही है, इसको हम रेडी कर देते हैं ना, तो मेरा आधा टेंशन ना चला जाता है। तब तक चलिए हमको थोड़ा कपड़ा धोए हैं। ये देख सकते हैं मैं सारा कपड़ा तो धूप में डाल दिए, ये देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, दुकान के लिए भी निकलना है, टाइम हो गया निकलने का। चलिए जल्दी जल्दी सब सामान पैक कर लेते हैं। सारा सामान तो यह कर लिए हैं, देख सकते हैं सब पैक कर दिए हैं सामान। इसमें दूध है, इसमें सब चाना उना है, और ये रहा दुकान का बर्तन, धो के सब रखा हुआ है। और अब हम देख सकते हैं किचन में बाबू के लिए दूध बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर पानी बैठाएं गर्म होने के लिए, क्योंकि बाबू पाउडर वाला दूध दुकान पर पीती है, तो बना लेते हैं उसका डब्बा में। और यहाँ पर ये देखिए दूध में से हम मलाई निकाले हैं, जो दूध में मलाई निकलता है ना ऊपर ऊपर छाली हो जाता है, तो उसको हम निकाल लेते हैं, और चीनी साथ हम लोग खा के फिर निकलते हैं। बाबू का दूध तो बना दिए, देख सकते हैं, और बाबू भी बहुत रोने लगे, चुप रहती है, रोते रहती है, रोने लगती है। नहीं बेटा जी, देखिए तो ले बाप ले, ओ ले न। हम लोग रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं सारा सामान लेके दुकान के लिए। चलिए ठीक लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। हाँ चलिए, बाल हमारा तो है ही नहीं, तो चलिए अब निकलते हैं। ये देखिए बाबू भी अब चुप हो गई, लगती है रोने, इसको भूख लगा था इसीलिए रो गई थी। सारा सामान बाइक पर बांध दिए हैं, ये देखिए हर साल की बात है, इस साल भी आती है दुर्गा पूजा, समिति दशहरा मनेगा वाराणसी के तरफ से 110 रुपए का पुरस्कार। नहीं पुरस्कार का है, आइए हमारा भावरा खाइए की। दोस्तों अब निकलते हैं दुकान के लिए। हम लोग 80 घाट अपने दुकान पे आ चुके हैं, और इनको देखिए अब सामान निकाल रहे हैं लगाने के लिए। और ये अमरूद देखिए, बड़ा बड़ा अमरूद है। हो गया, बोला तो का दुकान लग गया है, और इनको देखिए अब पूजा कर रहे हैं। अरे हम नहीं, इन लोग का आएंगे तो ही ना तो इनकम होगा। हम सोचे कि हमको पढ़ना, हम लोग करने भगवान जी को दिखाइए, असली भगवान तो आप ही लोग हैं। ये तो करती हैं, तो हम जा रहे हैं चाय बनाने। पहला चाय बना दिए, और देख सकते हैं इसमें निकाल रहे हैं, और हमारे कुछ कस्टमर आए हैं तो उनको दिए भी हैं पीने के लिए। कैसा लग रहा है भैया? बढ़िया लग रहा है। वीडियो देख के आए हैं? हम यूट्यूब पे देखे हैं, यूट्यूब पे देखे हैं। चाय बढ़िया बनी, देखिए बाबू को लिए।
तो और तो हम निकाले हैं और इसमें निकालना है। अपने पकौड़ा बनाने स्टार्ट करती हैं, देख सकते हैं इसमें कुछ बना रहे हैं और कुछ बना के अपने कस्टमर को भी दिए हैं। और मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, आए हैं खाने के लिए। कहाँ से आए दीदी? कहाँ से आई? बहुत अच्छा है, DLW लोकल है। कुछ बना रहे हैं, कुछ यहाँ पे देख सकते हैं हवरे बनाने के लिए रखे हैं फ्राई करके, और वहाँ पे वो बाबू को खिला रहे हैं। यहाँ पे पकौड़ा बना रहे हैं, देख सकते हैं सिर्फ हवरे डाले हैं हाफ फ्राई के लिए। और वहाँ पे देखिए बाबू लेट के मुझे देख रही है यहाँ से, ये देखिए क्या यहीं से ना हम वहाँ पे बना रहे थे ना, मुझे देख रही थी, देखिए उसको ना कंबल में ले रहे हैं क्योंकि शाम हो रहा है ना, तो उसके केयर बैग से निकाल के कंबल में ले रहे हैं और वहाँ से मुझे देख रही है। देखिए सारा भवरा हम हाफ फ्राई करके रख दिए हैं और यहाँ पे ब्रेड भी बना दिए हैं, बस इसको फ्राई करना है। और इतना सारा फ्राई करके रखे हुए हैं और अब हम जा रहे हैं बैठने, वो दुकान चलाएँगे क्योंकि आरती के बाद अब छानना है। और इनको देखिए बाबू को लिए हैं, अब आप जाइए। हमारी पत्नी बड़ी मेहनती है दोस्त, मगर इसे शादी नहीं होता ना, पता ना हमारा क्या हाल होता है। अब हम जा रहे हैं बाबू को पकड़ने, ये दुकान चलाएंगे। ये रही मेरी बाबू, छोनो बेटी। हम अब आराम कर रहे हैं और ये तल रहे हैं पकौड़ा, देख सकते हैं भवरा बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर आए हैं, कहाँ से आई है दीदी? हम तो यहीं से हैं, बिहार, नेटिव प्लेस बिहार से। आप कहाँ से? बिहार से, बंगाल जिला से। बहुत बढ़िया, आरती खत्म हो चुका है लेकिन आज हम लोग का बहुत माल पहुँच गया है, कुछ नहीं भी, आज मार्केट बहुत डाउन है। ये देखिए इतना भवरा भी है, पूरा बच गया है, चाय तो थोड़ा बहुत है लेकिन पूरा पकौड़ा बच गया आज, बिल्कुल मार्केट नहीं। आरती कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, अब पता नहीं बिकेगा कि सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ देर आज देर तक रुकते हैं, देखिए क्या होता है। वो चिल्ला रहे हैं कि बिक जाए, अजीब हुआ, इतना कभी नहीं हुआ था, मतलब बचा था उस दिन 9 बस ब्रेड बचा था लेकिन आज बहुत ज़्यादा बच गया है। सब्सक्राइबर आए हैं, कहाँ से आए हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है दोस्तों। आरती खत्म हुए, 2 घंटे हो चुके हैं, हम लोग कब से वेट कर रहे थे कि हम लोग का बिक जाएगा तो हम लोग घर के लिए निकलेंगे, लेकिन देख सकते हैं इतना सारा बच गया है। आज मार्केट बहुत डाउन है तो बच गया है, तो हम लोग सोचे गरीब को बांट देते हैं, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। हम लोग दुकान बढ़ा रहे हैं, ये देखिए, और ये देखिए छोटा बाबू ये बैलून बेच रहे हैं, अभी तक रात के 9:30 बज रहा है, देखिए छोटा बच्चा है। ख़त्म कर देना और आना लेने, यह छोटा लड़का है, 9:45 रात को गुब्बारा बेच रहा है। बाबू स्कूल जाते हो पढ़ने? इसको खा लो ना और फिर ले लेना, घटेगा तो। सिल्वर अलग होता है, चांदी अलग होता है। इन लोगों से दीजिए पकौड़ा, पकौड़ा खाओगे बाबू? हम भी रेड खाएंगे। चांदी सिल्वर दोनों अलग अलग होता है। हाँ होता है, चांदी चांदी होता है, सिल्वर सिल्वर होता है भैया। चांदी अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम अब बता रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको सिल्वर क्या है, चांदी क्या है? सिल्वर और चांदी क्या है? चांदी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है भैया? क्या चांदी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम चांदी और चांदी को सिल्वर के चांदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्वर। सिल्वर तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, सिल्वर और चांदी सेम है कि अलग? नहीं, हम तो बात पर सहमत है, सिल्वर अलग है चांदी अलग है। आप लोग कमेंट करके बताइए हम सही है कि भैया लोग सही है। चांदी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिल्वर ही बोला जाता है। आलू चॉप चाहिए? तुमको मिलेगा, सब खाओ मिलेगा। इतना सारा बच्चे लोग आ गए हैं, लोग दुकान बढ़ा रहे हैं और तो बच्चों लोग को दे दिए, और देख सकते हैं इतना सारा बच्चा हुआ है, इसको पैक किए हैं और बाकी गरीब को बांट देंगे। आज हम लोग का दुकान बहुत गंदा चल रहा है, ऐसा जब से दुकान खोले ना कभी नहीं हुआ था, बहुत माल बच गया है। 10 बज रहा है, बढ़ाने में 10:30 हो जाएगा, घर जाने में 11 बज जाएगा। हम लोग को आज हम लोग काफ़ी देर से रुके थे कि अब बिक जाए तो अब जाएंगे, लेकिन नहीं बिका तो अब निकल रहे हैं, काफ़ी रात हो गया है। तो हम लोग अपना दुकान बढ़ा दिए, देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिए हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं गरीब को बांटने के लिए जो बच गया है, ये देख सकते हैं हाथ में लिए हैं। समझ है ना,
हाँ चला जाए कहीं बैकवा लगा दे बैकवा लगा दे रहे हैं गोलगप्पा वाला भैया फिर यहाँ चलिए देख के जो लोग होंगे दे देंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सोए हुए हैं जो बुजुर्ग हैं गरीब हैं देखिए जा रहे हैं भैया आप लोग यहीं पर सोते हैं हाँ यहीं पर सोते हैं हमारा अपना दुकान है ना जैसे कि बच जाता है तो हम लोगों को बांट देते हैं ठीक करते हैं हमारा भाभरा दे दो चने वाला एक फेंकने तो बढ़िया हाँ 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 किसी को बांट देंगे बस रहे मत रो मत रो मत रो कुछ लोग सोए थे वहाँ पे बाहर में तो उन लोगों को मुझे लगा कि इन्हीं लोगों को दे देते हैं कुछ लोग थे तो उन्हीं लोगों को हम दे दिए खाने के लिए अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट बहुत डाउन चल रहा है ना आज बहुत मार्केट डाउन है दुकान बहुत खराब चला है आज बहुत दुकान से तो आ गए तो देखो सामान उतार रहे हैं खाना तो नहीं बनाना है खाना बचा हुआ है दाल भुंजिया चोखा है बस चावल बनाना है गर्म गर्म भी हिम्मत तो नहीं कर रहा बनाने का क्योंकि आज बहुत रात हो गया है काफ़ी लेट हो गया सब लोग सो गए हैं गार्ड अंकल भी 11:01 समय हो रहा है दोस्तों की 11:02 आज दिन बड़ी ख़राब था भगवान ऐसा दिन किसी भी दुकान वाला को ना दे दोस्तों आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सबके पास पहुँचे और हम लोग के दुकान पर आए आप लोग का एक सपोर्ट से हम लोग का बहुत फ़ायदा हो सकता है